मैं तो हाय रे जबरा हो रे जबरा फैन हो गया। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका ये राहुल भोज आपके सामने एक बार फिर से प्रकट हो चुका है और आज मैं बात करना चाहता हूँ फैन की, क्योंकि आज से 3 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल को रिलीज होती है फैन। फैन फिल्म ऐसी थी दोस्तों जिसने शाहरुख खान को एक्टिंग के लेवल पर एक अलग ही स्तर पे पहुंचा दिया। हालांकि ठीक है बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों हम शाहरुख सर की एक्टिंग को नहीं भूल सकते। जहां एक तरफ वो गौरव चन्ना बने थे, वहीं एक तरफ वो बने थे सुपरस्टार आर्यन। और आप जानते हैं दोस्तों, इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। क्या आप जानते हैं फैन के अंदर जो पहले दो हीरोइंस थी इसमें, वो थी इलियाना डी क्रूज और वाणी कपूर? नहीं जानते ना, चलिए आपको ऐसी दिलचस्प किस्से बताता हूँ सेलिब्रेटिंग 3 ईयर्स ऑफ फैन। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है फैन का ऑन शूट लोकेशन। जब शूटिंग लोकेशन चल रही थी तब सबसे पहले हिदायत दे दी थी कि भैया देख लो, एक बात सीधे कान में डाल लो कि आप अपने मोबाइल फोन को आसपास शूटिंग के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑन लोकेशन देखने भी आ रहे हो फिल्म को या फिर कुछ आपको गलती से भी हो गया, तो इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी कि उसके फुटेजेस को रिलीज ही नहीं किया गया। और टचवुड, फैन का हमें लास्ट तक का जो लुक रखा था शाहरुख सर का, वो अंडर रैप रखा था और हमें अच्छा है नहीं पता चला, वरना एक्साइटमेंट खत्म हो जाती। फॉर एन एग्जाम्पल आप दबंग 3 देख लीजिए, मतलब भाई वहां जा रहे हैं, उसकी फोटो आ जा रही, भाई ने मक्खी को मारा उसकी फोटो आ जा रही, भाई के ऊपर गुंडों ने हमला किया उसकी फोटो आ जा रही, पूरा को पूरा सॉन्ग रिलीज कर दिया। आप बताओ ये क्या मतलब हुआ, मतलब हम जैसे हो कि एक्साइटमेंट का क्या होगा। सो ऐसे में ये पहला दिलचस्प पॉइंट है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये कि शाहरुख सर के लिए 3D स्कैनिंग कैमरा इस्तेमाल किया गया था, उन्हें बीच में बिठाया गया था, उनके चारों तरफ पूरे ग्लोब में जो है पूरा एक गोल सा एक चक्र जैसा बना दिया गया था और वहां पर 3D कैमरास लगे थे, से लाइटिंग करके उनके अलग अलग एक्सप्रेशन में उनकी फोटो खींची गई थी। क्यों? क्योंकि गौरव चन्ना का जो कैरेक्टर था वो 21-22 साल का लौंडा था, ठीक है। तो अब शाहरुख सर तो जो मतलब थोड़ा सा एज में बड़े हैं, राइट, हम सब जानते हैं। तो ऐसे में उस तरीके का लुक लाने के लिए, उस तरीके का जो फेस लुक पाने के लिए, वो ग्लो पाने के लिए शाहरुख सर को ये टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा। इट्स कॉल्ड 3D स्कैनिंग टेक्निक। और इससे पहले ये अवतार में हो चुकी है, और अगर आप बात करेंगे एवेंजर्स में जो हल्क बनते हैं मार्क रुफालो, उन्होंने भी इस तरीके की टेक्निक का प्रयोग किया है, उन पर भी हुआ है प्रयोग, और उस तरीके से वो हल्क में तब्दील हुए थे तो उस वक्त ऐसा ही होता था। सो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने फैन की मेकिंग नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर देखिएगा, यशराज के ऑफिशियल चैनल में है, जहाँ पर शाहरुख सर का इधर उधर ऐसे पॉइंट लगे हुए हैं और जैसे चेस्ट में भी यूँ लगे हुए हैं, तो बॉडी को श्रिंक करने के लिए रेड चिलीज ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, पोर्ट्रे किया है। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वो जो फुटेजेस देखते हैं कि सुपरस्टार आर्यन के घर के बाहर का जो सीन था, जिस तरीके से फैन हो हल्ला मचा रहे हैं, जिस तरीके से फैंस उनको मिल रहे हैं, ये रियल लाइफ फुटेज लिया गया था। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मैं कि ये रियल लाइफ मतलब फैन की जो शुरुआत थी 2014 से बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। सो ऐसे में शाहरुख सर ने जो है, और प्लस मनीष शर्मा जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या हुआ कि शाहरुख सर का बर्थडे हुआ या ईद हुई, उस दौरान के सारे रिएक्शंस जो है वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, और उसकी वजह से फैन फिल्म के अंदर जब आप वो देखते हैं ना, तो इट लुक्स सो मच नेचुरल एंड सो मच ऑर्गेनिक, ऐसा फेक नहीं लगता है। सो अगर कहा जाए तो यस, ये और रियल लाइफ इंसिडेंट पे भी बेस्ड है कहानी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जिस फिल्म के अंदर शाहरुख सर को चोट लगती है वो फिल्म हिट हो जाती है, ये हमें पता ही है। फैन की शूटिंग के दौरान भी ही गॉट ब्रूटली इंजर्ड। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मैं, एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही थी जिसके दौरान शाहरुख सर को नसीहतें दी गई थी ऐसा ऐसा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से शूटिंग भी रोकनी पड़ी थी। और फैन की शूटिंग याद है उस टाइम पे बहुत खबरें आती थी, शाहरुख हुए घायल, शाहरुख को ये हुआ, फैन की शूटिंग के दौरान हुआ ये हादसा, वगैरह वगैरह सारी बातें। सो ऐसे में आपको बताना चाहता हूं मैं दोस्तों कि he got brutally injured और उनको वापस आना पड़ा था मुंबई, और मुंबई में जब तक उन्होंने डॉक्टर से फिजियोथेरेपिस्ट से बातचीत नहीं करी तो वो नॉर्मल नहीं हुए। फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल होते हैं तो उन्होंने शूटिंग को रिज्यूम कर लिया। लास्ट
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ फैन के बारे में. मैडम टुसाद जो म्यूजियम है लंदन में, जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स के वैक्स स्टैचूज लगाए गए हैं, शाहरुख सर का है, अमिताभ बच्चन जी का है, ऐश्वर्या राय का है, और अब तो सलमान भाई का भी आ गया वहाँ पे दोस्तों. सो ऐसे में ये पहली फिल्म है मैडम तुषाद में जो कि शूट की गई है. जी हाँ, फैन का आपको सीन तो याद होगा जिसमें आर्यन जो है बोलता है कि ये क्या है, ये मैं ऐसा हंसता हूँ, ये देखो ऐसा करके मारता है वो मोम के पुतले को. सो अगर देखा जाए तो ये पहली ऐसी फिल्म है बॉलीवुड की जो कि मैडम तुषाद में शूट की गई है. मजा आया ना जान के. आई एम तो सुपर मच एक्साइटेड कि आज फैन के थर्ड एनिवर्सरी कह सकते हैं, 3 साल हो चुके हैं फैन के लिए. आप अपनी कोई मेमोरी बताइए अगर कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या कहना है, क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आज आप फैन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बने रहो मेरे साथ, मैं राहुल भोज इसी तरीके की बातें लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में. कीप ऑन वॉचिंग.